हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू काउंसलिंग अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन माई सेल्फ हर्प्रीत का या फिजिक्स एजुकेटर सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं बिहार में एंड व्हाट आर द कट ऑफ बेसिकली ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एमबीबीएस एंड लास्ट ईयर क्या कट ऑफ क्राइटेरिया रहा था कट ऑफ कितनी रही थी कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं और अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द एंड नेक्स्ट डेट जिसके आप टॉप चाहते हैं कट ऑफ चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन जरूर से कीजिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के लेट uh, तो आया है, वो बहुत ही, uh, uh, करने वाला है अगर हम उसको करते हैं, uh, के से, तो अगर हम अनिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आप कट ऑफ देख सकते हैं इट इज सिक्स मार्क्स मार्क्स दस मार्क्स ज्यादा कट ऑफ आया है बिहार का ज्यादा एज टू दीसी काउंसिलिंग राउंड वन कट ऑफ अगर हम ईडब्ल्यू एस की बात करते तो सिक्स फिफ्टी फाइव इज दट ऑफ दीज आर बेसिकली आई आर रैंक एंड ये उन कॉलेजेस के नाम है जिनमें बेसिकली ये लास्ट कट ऑफ वाले बच्चे को एडमिशन मिली है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बेटा 670 मार्क्स के ऊपर बारह हजार तीन सौ रैंक आ, आ, को एडमिशन मिला है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एंड अगर हम ई की बात करते हैं तो 655 फिफ्टी फाइव इज द मार्क्स ओ की बात करते हैं 661 सिक्सटी वन ई बी सी यहाँ पर बिहार में बेटा देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज तो अगर हम ई कैटेगरी की बात करें तो सिक्स इज द कट ऑफ एस सी फाइव फोर्टी नाइन एंड एस टी फाइव फोर्टी वन रैंक जो अभी के लिए हमारे पास फर्स्ट राउंड में आया है एंड आर लास्ट ईयर तीन राउंड के बाद कट ऑफ कहां पर गई थी जिससे कि आपको एक लग सके कि इस साल आपको बिहार में एडमिशन मिल सकता है में या नहीं मिल सकता है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्स पटना की तो बेटा एम्स पटना में कुल मिलाकर अगर, अगर अपन सीट्स की बात करें तो 125 सीट्स हैं बेटा यहाँ का जो कट ऑफ रहा था अगर तीन राउंड के बात बात करूँ तो जनरल में इट वाज सिक्स सेवेंटी सिक्स में 670 ओबीसी में 675 एससी में 620 एंड एसटी में 583 अब अगर हम एम्स की बात करते हैं तो जितने भी एम्स हैं बेटा उसमें जो एडमिशन है वो एम सी काउंसिलिंग के अंडर करवाई जाती है है ना तो यहाँ पर भी आ, सेम क्राइटेरिया रहता है अगर हम बात करते हैं पटना मेडिकल कॉलेज आ, की तो वहां पर बेटा जनरल का कट ऑफ जो गया था लास्ट ईयर की अगर बात करें सीट्स so कर नेक्स्ट अगर इंदिरा गांधी साइंसेज पटना तो यहाँ पर बेटा जो जनरल का कट ऑफ गया था अब ये तीन राउंड के बाद की आपको बता रही हूं जनरल so, में जो गया था इट वॉज सिक्स में सिक्स फिफ्टी फोर एस सी में फाइव थर्टी वन एन स्टी में इट वॉज फाइव बेटा Uh, अगर हम इस कॉलेज के सीट्स की बात करें तो 120 सीट्स हैं इस कॉलेज में रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना दीज आर बेसिकली द रिस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा मार्क्स बच्चों के जो थर्ड राउंड uh, में अलॉट किया गया था जिनको कॉलेज जनरल की कट ऑफ गई थी 644, फोर्टी की 640, फोर्टी ओ बी सी की सिक्स फोर्टी की फाइव एंड एस की फोर कुल मिलाकर डेढ़ सीट्स वन सीट्स हैं बेटा इस कॉलेज में नेक्स्ट आपने पास आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज जनरल में बेटा आपका जो आ, स्कोर गया था तीन राउंड के बाद uh, हाई हाँ जाती है बट इस बार की जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड की ही इतनी हाई गई है तो अब थोड़ा सा बच्चे जो है वो वारिड है कि यार एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी प्लीज मैम थोड़ा सा क्लैरिटी का कट ऑफ आपको बता रही हूँ आपको एस्टिमेट मिल सके और अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ से बात करें तो बेटा जो कट ऑफ है उसमें इंक्रीज भी आया है तो ये बात ध्यान लेकर चलिएगा ठीक है सो so, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर जनरल में बेटा 635 ईडब्ल्यूएस में 634 ओबीसी में 631 एससी में 505 एसटी में 483 कुल मिलाकर कितनी सीट्स हैं इस कॉलेज में 120 सीट्स हैं देन आपके पास आ जाता है ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज पटना जनरल में बात करेंगे बेटा तो 635 थर्टी फाइव इज बेसिकली द कट ऑफ ई डब्ल्यू एस में बात करेंगे इज द कट ऑफ अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो आपके पास जो कट ऑफ है दैट इज सिक्स थर्टी एस सी की बात करें पांच सौ नौ एस टी की बात करें फोर नाइन्टी थ्री बट अगर आप फर्स्ट राउंड की कट ऑफ इस बार देखते हो तो एस टी की ही कट ऑफ बेटा इस बार जो है वो ज्यादा आई है फर्स्ट राउंड की अगर हम कट ऑफ देख रहे हैं ये जो कट uh, ऑफ है

अगली बात करें बेटा तो आपके पास आ जाता है अनुग्रह नारायण मेडिक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया ठीक है तो यहाँ पे जनरल में 630 थर्टी इज बेसिकली ऑल इंडिया कोटा मार्क्स जो कट ऑफ रहा है ई में 626 ओबीसी में 629 एससी में 509 एसटी में 484 कुल मिलाकर 120 सीट्स हैं इस कॉलेज में ठीक है नेक्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटा यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ गया है थर्ड uh, राउंड के बाद तो 628 वाज़ द कट ऑफ ई की बात करें 622 ट्वेंटी टू वॉज द कट ऑफ ओबीसी सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड एस टी कुल मिलाकर इस uh, वाले कॉलेज में भी 120 के करीब आपकी जो सीट्स हैं वो पाई जाती हैं अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बेटा इस कट ऑफ वाले टेबल पे वापस आ जाए जो 2024 यानी कि इस साल की कट ऑफ है तो बेटा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है 670 अब बात होती है ऐसी कि बेटा जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स है ना उनको ई uh, एस वाले भी क्लेम कर लेते हैं ठीक है तो वहाँ पे uh, बात ऐसी रहती है कि जो ईडब्ल्यूएस एस वाले हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी के, के अंडर सीट्स जो है वो अलॉट कर दी जाती है और जो कैंडिडेट्स के मार्क्स एज कंपैरेटिवली कम आए हैं Uh, तो उनको ई के अंडर डाल दिया जाता है सो so, इसीलिए जनरल का जो कट ऑफ़ रहता है अनडिज़र्व का जो कट ऑफ रहता है वो हाई रहता है बट अगर हम एम फर्स्ट राउंड से कंपेयर करें तो दस नंबर हाई है बेटा है ना तो uh, इस बार बिहार में ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगी वो हाई ही जाएगी तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना कॉलेज प्लान कीजिए एंड प्रेफरेंसेस को बेटा उस हिसाब से ही सेट कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि मैंने जो प्रेफरेंस सेट किया है वहां पे मुझे एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट बेटा जी uh, मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कुछ भी फर्दर डाउट्स आते हैं आप जरूर से कॉमेंट डाउन कीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर वेल्यूएबल यार एंड जब आप एम बी बी एस में एडमिशन पा लेंगे सो मेक श्योर करें कि आप इस जर्नी को जरूर से याद रखें जो आपने ये जर्नी है ना पूरा स्पेंड uh, किया है सो विश यू गुड लक